read past continuous tense. So in past continuous tense, first we will look its identity. Past continuous tense को ये वाक्य को समझने के सबसे पहले इसकी identity को देखते हैं कि किस तरह के वाक्य को past continuous tense की category में रखते हैं. वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा. जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में रोहित पत्र लिख रहा था. ये वाक्य की क्रिया क्या हो गई? लिखना क्रिया हो गई. इसके अंत में क्या लगा हुआ है? रहा था लगा हुआ. तो ये वाक्य आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में. दूसरा उदाहरण देखिए, मैं बाजार जा रही थी. रही थी, तुम लोग अखबार पढ़ रहे थे. वाक्य के अंत में क्या है? रहे थे. ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे. तो पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है. देखिए, सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल क्या बनेगा? रोहित वाज राइटिंग अ लेटर. रोहित पत्र लिख रहा था. आई वाज गोइंग टू डी मार्केट. मैं बाजार जा रही थी. इस वाक्य में देखिए आई है सब्जेक्ट, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग भी फोर है और टू डी मार्केट ऑब्जेक्ट है. थर्ड, यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर. तुम अखबार पढ़ रहे थे. सब्जेक्ट इज यू, हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब, वी फोर रीडिंग और ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर. Then let's talk about the negative sentence structure. In negative sentence structure is subject plus was oblique verb plus not plus before plus or. तो देखिए positive sentence में क्या था हमारा? Not नहीं था. लेकिन negative sentence में यहाँ पे हम लोग not लगा दिए. Not आपको कहाँ लगाएंगे? Helping verb और main verb के बीच में लगाएंगे. ठीक है, example समझिए. He was not reading any story. वह कोई कहानी नहीं पढ़ रहा था. He क्या हो गया? Subject हो गया. Was helping verb हो गया. Not क्योंकि negative sentence है इसलिए not होना जरूरी है. Reading be for और any story आपका object हो गया. Second example. Ram was not doing his work. Ram अपना काम या कार्य नहीं कर रहा था. Ram subject was, अच्छा was और word का use आपको यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि was का use करेंगे हम लोग third person singular number के साथ, जैसे he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ. और वर्ड का यूज करेंगे हम लोग प्लूरल के साथ, जैसे दे के साथ यूज होगा. ओके, राम वाज नॉट डूइंग हिज वर्क. राम अपना, राम कोई काम नहीं कर रहा था. दे वर नॉट जंपिंग ऑन द बेड. वे लोग बिस्तर पर नहीं कूद रहे थे. जंपिंग मीन्स कूदना. दे है प्लूरल है इसलिए क्या यहाँ क्या लग गया? वर्ड लग गया. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस टाइप इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. वाज वर्ड. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है. एग्जाम्पल देखते हैं. Was he reading any story? क्या वह कोई कहानी पढ़ रहा था? Was Ram doing his work? क्या राम अपना काम कर रहा था? His work का यानी राम से ये रिलेट हुआ है इसलिए राम अपना काम कर रहा था. क्या राम अपना काम कर रहा था? Word दे जंपिंग ऑन द बेड. क्या वे लोग बिस्तर पर कूद रहे थे?
तो ये हमारे तीन टॉपिक हुए, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के तीनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ उसके उदाहरण के साथ समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स।